नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 अप्रैल 2020 से जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च 5T प्लान टू फाइट COVID-19? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने एक 5T प्लान जो है वो लॉन्च करा है COVID-19 से लड़ने के लिए? तो हमारा आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली गवर्नमेंट जो है इन्होंने लॉन्च करा है 5T प्लान। अब दोस्तों, 5T जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें 5 T हैं। पहला T जो है वो है टेस्टिंग। जो भी हॉटस्पॉट है दिल्ली में उसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करी जाएगी। सेकेंड T जो है वो है ट्रेसिंग। ट्रेस करेंगे जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनसे जो भी लोग मिले हैं उनको ट्रेस करेंगे। थर्ड टी जो है वो है ट्रीटमेंट। जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। फोर्थ टी है टीम वर्क। इसमें क्या होगा, इसमें जो सभी टीम्स होंगी वो सब प्लानिंग करेंगी और एक साथ मिलकर एग्जीक्यूट करेंगी। और जो लास्ट टी है वो है ट्रैकिंग। इसमें क्या होगा, ट्रैकिंग में क्या होगा, जो बाकी के 4 T हैं उन पर नजर रखी जाएगी कि वो सब प्लान जो है वो सही एग्जीक्यूट हो रहे हैं और जो लोग क्वारंटाइन है उन पे नजर रखी जाएगी। अब यहाँ पे स्टेट आई है दिल्ली। तो दिल्ली जो है उसके करंट चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली जो है वो कैपिटल बनी थी 1911 में और दिल्ली का नाम बदल के न्यू दिल्ली कर दिया गया था 1927 में। रिसेंटली इंडियन रेलवे क्रिएटेड अ लो कॉस्ट वेंटिलेटर फॉर COVID-19 पेशेंट्स, व्हाट इज इट्स नेम? तो अभी हाल ही में इंडियन रेलवे जो है उन्होंने एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर जो है वो तैयार कर लिया है COVID-19 के पेशेंट्स के लिए। तो उसका उन्होंने क्या नाम रखा है? तो हमारा आंसर होगा जीवन। जो वेंटिलेटर तैयार हुआ है इंडियन रेलवे के द्वारा उसका नाम रखा गया है जीवन। अब दोस्तों, इंडिया में जो टोटल वेंटिलेटर्स हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट वेंटिलेटर्स मिला के टोटल वेंटिलेटर्स है 60,000, जो कि काफी कम है। अगर कोरोना वायरस के केस जो है वो इंडिया में ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, इसलिए जो है वेंटिलेटर्स बनाने का प्रयास चल रहा है हिंदुस्तान में। तो इंडियन रेलवे ने वेंटिलेटर बनाया है और इसकी जो कीमत है वो सिर्फ 10,000 रुपए बताई जा रही है। कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री में इसको बनाया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है इंडियन रेलवे की। तो इंडियन रेलवे जो है उसके रेलवे मिनिस्टर जो है इंडिया के वो है पीयूष गोयल। चेयरमैन जो है रेलवे बोर्ड के वो है विनोद कुमार यादव। इंडियन रेलवे जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी 16 अप्रैल 1853 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो वो थे जॉन मिथाई। बुलट प्रकाश हु रिसेंटली डाइड इज आ, बुलट प्रकाश जो थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किससे रिलेटेड थे? तो हमारा आंसर होगा एक्टर। बुलट प्रकाश जो थे ये कॉमेडियन एक्टर थे कन्नड़ के, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। रिसेंटली विच कंपनी CEO अनाउंस टू गिव $1 बिलियन टू फाइट COVID-19? तो अभी कौन सी कंपनी के CEO हैं जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो $1 बिलियन जो है वो देने वाले हैं कोरोना वायरस की वजह से? तो हमारा आंसर होगा ट्विटर। ट्विटर कंपनी के जो CEO हैं उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो $1 बिलियन जो होगा वो डोनेट करेंगे। अब दोस्तों, ट्विटर के जो CEO हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। तो जैक डोर्से जो है वो करंट CEO है ट्विटर के, जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है $1 बिलियन देने की। $1 बिलियон का मतलब होता है 6,500 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, यहाँ पे कंपनी आई है ट्विटर। तो ट्विटर कंपनी जो है इसके करंट CEO है जैक डोर्से, जो कि फाउंड हुई थी 21 मार्च 2006 में। और हेडक्वार्टर जो है ट्विटर का वो है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरी इंडियन इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? तो दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी जो है हिंदुस्तान में, वो कितनी बढ़ गई है? तो हमारा आंसर होगा 23.4% बेरोजगारी जो है कोरोना वायरस की वजह से वो हिंदुस्तान में बढ़ गई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार। और दोस्तों, ये बताया जा रहा है कि अगर ये बीमारी जल्द ही ठीक नहीं हुई तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है, जिससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर काफी फर्क पड़ेगा। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस टू लॉन्च अ ऐप COVID-19 मॉनिटरी सिस्टम ऐप? अभी हाल ही में कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं
जिसका नाम है COVID-19 मॉनिटरी सिस्टम ऐप। तो हमारा आंसर होगा तेलंगना। तेलंगना गवर्नमेंट जो है उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि वो जल्द ही एक ऐप लॉन्च करेंगे जिसका नाम है COVID-19 मॉनिटरी सिस्टम ऐप। जो भी COVID-19 के पेशेंट्स होंगे उनकी मॉनिटरी करी जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर स्टेट आई है तेलंगना। तो तेलंगना स्टेट जो है उसकी कैपिटल होती है हैदराबाद। तेलंगना के करंट चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगना के जो करंट गवर्नर हैं वो हैं तमिलसाई सौंदर्य राजन। अब दोस्तों तेलंगना का फॉर्मेशन डे पूछा जाता है, तो तेलंगना का जो फॉर्मेशन डे है वो है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगना स्टेट जो है वो फॉर्म हुई थी, इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व होता है। रिसेंटली विच पेमेंट बैंक लॉन्च COVID-19 इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी कौन सा पेमेंट बैंक है जिसने लॉन्च करा है COVID-19 इंश्योरेंस पॉलिसी? तो हमारा आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इनके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च करा गया है एक COVID-19 इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों एयरटेल थैंक्स ऐप जो है उस पर जाके आप ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है आप इसको खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस है 499 रुपी। 499 रुपी में आप ये COVID-19 इंश्योरेंस पॉलिसी जो है इसको बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात हुई है एयरटेल पेमेंट बैंक की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये एस्टेब्लिश हुआ था 2017 में, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके करंट MD और CEO जो है वो है अनुव्रत विश्वास। रिसेंटली हु स्टार्टेड मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान। तो अभी हाल ही में किसने स्टार्ट करा है मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान? तो हमारा आंसर होगा MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो है उन्होंने अभी हाल ही में एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज स्टार्ट करा है जिसका नाम रखा गया है समाधान। अब ये जो है MHRD ने ये AICTE के साथ मिलकर ये ऑनलाइन चैलेंज समाधान जो है ये स्टार्ट किया है COVID-19 से लड़ने के लिए। रिसेंटली विच स्टेट पुलिस स्टार्टेड FIR होम डिलीवरी। तो अभी हाल ही में कौन सी स्टेट पुलिस है जिन्होंने FIR होम डिलीवरी की सर्विस स्टार्ट कर दी है? तो हमारा आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट पुलिस जो है इन्होंने FIR होम डिलीवरी जो है वो स्टार्ट कर दी है। जो लोग भी रूल ब्रेक करेंगे उनको FIR की होम डिलीवरी दी जाएगी, और इससे पहले ही UP गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये सर्विस पहले ही स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश स्टेट की। तो मध्य प्रदेश स्टेट जो है उसकी कैपिटल होती है भोपाल, करंट चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो होता है वो हर साल कौन सी तारीख को ऑब्जर्व होता है? तो हमारा आंसर होगा 10 अप्रैल। हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे जो होता है वो ऑब्जर्व होता है। और दोस्तों फादर ऑफ होम्योपैथी जो है वो किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है सैमुअल हैनमैन को। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, सैमुअल हैनमैन को फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।